दुनिया में एक बार फिर से कोविड-19 का प्रकोप फैलने लगा है। भारत देश के पड़ोसी देश चीन में बहुत खराब हालात हैं। वहां हर दिन लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकल रहे हैं। साल 2019 में भी सबसे पहली बार चीन ही वो देश था जहां से कोविड-19 की लहर फैली थी, और अब 2 साल बाद फिर से चीन से कोरोना वायरस के नए वेरियंट BF7 का असर शुरू हुआ है। चीन में कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट को देखें तो वहां एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जो अब तक का एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यही नहीं, चीन में अब तक 25 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 में चीन में एक दिन में 4 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन हाल ही में एक दिन में 3,17,00,000 मामले सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2022 का आंकड़ा जल्द टूट सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के लिए बुरी खबर चीन से है कि अब चीन मासिक तौर पर कोरोना के आंकड़ों की जानकारी देगा और रेगुलर बेसिस पर मामलों की संख्या के बारे में जानकारी अब बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। यानी अब CDC यानी कि चाइनीज कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड प्रिवेंशन ये डाटा देगा जो मासिक होगा। चीन की रणनीति विश्व में समस्या कुछ इस प्रकार पैदा करेगी कि कितने संक्रमित हुए और कितने मारे गए, साथ ही कोरोना की ताजा अपडेट क्या होगी, क्योंकि चीन ही कोरोना का जन्मदाता है। चीन में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। इसके चलते चीन में जिनपिंग के कुर्सी छोड़ो के नारे भी लग रहे हैं। चीन में कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने तक लोगों को हिरासत में रखा जा रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसों के चलते चीन में चिकित्सा सोर्स की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। चीन में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स और दवाइयों की भी कमी है। इसके अलावा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। बात अगर भारत की करें तो चीन में ओमिक्रॉन के BF7 के वेरियंट के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भारत में लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को कोरोना के मामले बढ़ने और फिर से लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीयों को इस वेरिएंट्स के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने वैक्सीनेशन के जरिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट।